हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। एक तरफ जहां भारत में आ रहे हैं F-35, अमेरिका भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रूस की लड़ाई में भारत ने सीधे सीधे रूस की तरफ खड़ा होकर ऐलान कर दिया। अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और भारत से घबराए चीनी कमांडरों ने अब हार मानना शुरू कर दिया है, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पिछले कुछ महीनों से चीन अपने जोरदार घेराबंदी में लगा हुआ है। सीमा के पास भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर चीन ने करीब 100 युद्धाभ्यास किए हैं। 100 युद्धाभ्यास कोई छोटी संख्या नहीं है, वो भी कुछ महीनों में ही। पहले तो भारत की सीमा से लगते हुए चीन और पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास किए, इतने से मन नहीं भरा तो चीनी नौसेना घुसपैठ करने पर उतर आई भारत के कई क्षेत्रों में, हिंद महासागर में, और फिर राफेल को मार गिराने का युद्धाभ्यास हुआ तुर्की, पाकिस्तान और कतर के बीच। और अब तो आका ने गुलाम को ये आज्ञा भी दे दी है कि चीन के अंदर जाकर युद्धाभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान अभी चीन के अंदर नौसेना युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हुए और 2 दिन पहले ही ये युद्धाभ्यास खत्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीमा पर 50,000 सैनिकों को भेज दिया। तो वहीं अब भारत आ रहा है F-35 और F-35 का भी सबसे एडवांस वर्जन। आपको बता दें F-35 वो लड़ाकू विमान है जो इस वक्त रूस के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ये है स्टिल्थ लड़ाकू विमान, यानी कि ये चाहे तो पाकिस्तान के अंदर घुस के हमला करके वापस आ जाए पर उसके रडार पकड़ नहीं पाएंगे। और यही हाल चीन का भी हो। भारत में F-35 के आने का मतलब है भारत के लिए एक बड़ा मौका जो भविष्य के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय पायलटों को इस विमान को करीब से जानने का बेहद बड़ा मौका मिलने वाला है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लड़ाकू विमान अपने एडवांस वर्जन वाले फॉर्म में आ रहा है, जिसमें वो कम जगह पे भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। स्टिल्थ होने के साथ साथ इसकी ये खासियत किसी भी युद्ध के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी हिंद महासागर के क्षेत्र में लगातार युद्धाभ्यास हो ही रहे हैं और अब अगला युद्धाभ्यास होने वाला है ब्रिटेन और भारत का। ब्रिटेन की HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भारत आ रही है और ये युद्धाभ्यास के लिए आ रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है चीन को एक खास संदेश देने के लिए कि भारत अकेला नहीं है, और चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए UK भी भारत के साथ में खड़ा है। तो वहीं भारत और UK के नौसेना के लिए ये बड़ा मौका है जब दोनों आपस में समन्वय बना सके, ताकि आने वाले समय में युद्ध की तैयारी बराबर रह सके। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं, ये मैप लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना है अमेरिका और रूस के बीच। दरअसल ये जो जगह है बब अल हवा, ये वो जगह है जो तुर्की की सीमा से पड़ता है, और ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के हालात में बड़ी मदद मिलती है, रसद से, दवाइयों से, और वहाँ के आम लोग जो भीषण रूप से प्रभावित हैं, उन्हें खाना पहुँचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। पर ये रास्ता गुजरता है तुर्की से होकर, जिसकी वजह से इस तक पहुँचने के लिए तुर्की से परमिशन लेनी पड़ती है, और हर साल UNSC में इस चीज को लेकर बवाल होता है। और अब जुलाई के महीने में एक बार फिर तुर्की ने जो परमिशन दिया था उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। अब यहीं से लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच बहुत जोरदार तरीके से बढ़ती चली गई। तूतू मैमे से लेकर कठोर बयानबाजी तक आने लगी, और ये सारा कुछ हुआ UNSC में। UNSC में अमेरिका और रूस के बीच तकरार इतना बढ़ गया कि दोनों ही देश के UN में जो राजदूत हैं वो बौखला कर बोलने लगे। अब बात दरअसल ये है कि इस इलाके में, सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है, यहाँ पे अमेरिका जो है वो रिबेल्स के साथ खड़ा है, जो वहाँ के लड़ाके हैं उनके साथ खड़ा है, जबकि रूस जो है
है वो सीरिया की सरकार के साथ खड़ा है। अब यहीं पर दोनों भिड़ जाते हैं। दरअसल यूएनएससी में रूस का कहना था कि इस पूरे इलाके में क्या किया है अमेरिका ने, ये एकमात्र रास्ता है रसद पहुंचाने का और दवाइयों को पहुंचाने का जो सीरियन लोगों को जिंदगी दे रही है। भूखे प्यासे बहुत ऐसे लोग हैं जो इस गृह युद्ध की चपेट में आ गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और ये एकमात्र क्रॉस लाइन बॉर्डर है जिसकी जरिए लोगों को मुहैया कराया जा रहा है खाना, दवा वगैरह सब कुछ। पर अब तुर्की इसे और एक्सटेंड करने के मोड में नहीं है। क्या हमें और भी ज्यादा फ्रंट नहीं खोलने चाहिए और भी देशों को यहाँ आने के लिए न्योता नहीं देना चाहिए ताकि यहाँ के आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचे? और आखिर वहाँ की सरकार को क्यों नहीं दुनिया के सारे देश समर्थन दे रहे हैं? वहाँ की सरकार को हक है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने देश को चलाए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका इस लाइन को ओपन रखने के पक्ष में है कि इस इलाके को मानवीय सहायता के लिए खुला छोड़ा जाए, लेकिन इसके पक्ष में नहीं है कि वहाँ की सरकार को मदद दी जाए ताकि वहाँ की सरकार सत्ता और शासन को तरीके से चला पाए। वहीं अमेरिका ने तो दुनिया भर के देशों को, यहाँ तक कि अरब देशों को भी ये चेतावनी दे दी है कि अपने राजदूत यहाँ नहीं भेजना, यहाँ पर राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करना। अगर ऐसा करते हो तो ये अमेरिका के लिए दुश्मनी मानी जाएगी। अब रूस और अमेरिका जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, इसी एंगल में भारत आ गया और भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाते हुए ऐसी परिस्थितियों में जब अमेरिका भारत की मदद कर रहा है चीन के खिलाफ, युद्धाभ्यास हो या हथियारों का मामला हो, इसकी चिंता किए बगैर भारत ने रूस का समर्थन कर दिया और भारत ने ये कहा कि भारत भी यही चाहता है कि दुनिया भर के देश सीरिया में राजनयिक संबंध स्थापित करें, अपने राजदूतों को भेजें और इन देशों के जरिए ही सीरिया के आम लोगों को मदद भी मिलेगा। किसी एक चैनल को ओपन रखने से क्या होगा? असल में वहाँ की शांति स्थापित करना ज्यादा जरूरी है, न कि झगड़े को भड़काए रखना। ये सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती थी जो भारत ने उसके मुंह पर दे दी। वैसे आपको बता दें, भारत सच कहने से डर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस ने जो कहा उसमें सच्चाई नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। इसी सच्चाई का समर्थन भारत ने किया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस तरह के बयान देकर सही करा या गलत करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। भारत ने अब वो कर दिया है जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा होकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या ये भारत के लिए बड़ी समस्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से चीन लड़ने को उतारू है, क्या भारत समस्या को बुला रहा है? जानेंगे आखिर मामला क्या हुआ था।